मॉर्निंग चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी का अटेंडेंस बन गया होगा, तो बुक जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 104, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। और पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बात रोज़ मैं बोलती हूँ वो बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लासेस जितना देर की होती है उतना देर तक आप पूरा वीडियो देखिए, ओके। और आप अटेंडेंस बना के बाहर नहीं निकल जाइएगा बल्कि पूरा वीडियो देखिएगा। और जो बच्चे जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि बिना किताबें की आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। उसी तरीके से बिना ऑनलाइन क्लास किए आप फिर भी नहीं पढ़ सकते, भले आपके पास किताब है लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और आपके पास किताब नहीं है तो भी आपकी लर्निंग या आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती अच्छे से। तो सभी बच्चे इन बातों पर ध्यान देंगे, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं है ना, वो बच्चे अपने क्लासमेट अपने फ्रेंड को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, क्लियर। तो अब है, चलिए मैं अपनी पढ़ाई की तरफ आती हूँ, और हम लोग आज क्या करेंगे, एक्टिविटी बनाएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने शॉर्ट आंसर लिखाया था चैप्टर 13 का, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने याद किया होगा। अगर जिनको नहीं याद हो पाई है कोई बात नहीं, वो बच्चे फिर से आज याद कर लेंगे, उनके लिए अगेन रिमेंबर रहेगा। आज हम करेंगे है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले मैं बनाऊंगी उसके बाद ट्रू फॉल्स है ना। तो मैंने बुक वाले बच्चे को होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि आप बनाइएगा, तो मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर जो सही रहेगा बहुत अच्छी बात, अगर जो गलत हो गया कोई बात नहीं, उसे इरेज कीजिएगा और सही आंसर को वहाँ पे लिख लीजिएगा। और नोटबुक वाले बच्चे सेम मेरी तरह नोट करेंगे लेकिन समझ समझ के। और हाँ, जो जिनके पास बुक है और मैंने ये होमवर्क दी थी वो बच्चे अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं बनाया है बहुत गलत बात है, बहुत ख़राब बात है। मैं अगर कोई होमवर्क देती हूँ, अगर आपको कोई होमवर्क मिलता है चाहे वो याद करने का हो, लिखने का हो या पढ़ने का हो, तो उसे आप पूरा किया कीजिए, ये अच्छी बातें हैं। होमवर्क मिले तो उसे हमें पूरा करना है, ना कि हम होमवर्क मिला इग्नोर कर रहे हैं। आप ये नहीं समझिए कि स्कूल ओपन नहीं है, मिस तो हमें देख नहीं रही, मैम तो हमें देख नहीं रही, हमें तो चेक करने नहीं आ रही है, ये गलत बात है। अगर आप अभी बनाइएगा नहीं, कीजिएगा नहीं, अगर आज भी मैं बनवाऊँगी तो भी आप अगर उसको इग्नोर कर दीजिएगा तो कभी ना कभी स्कूल तो खुलना ही है ना, आज ना कल तो स्कूल खुलेगी ही। स्कूल खुलेगी तो जब मैं बुक चेक करूँगी आपकी, अगर नहीं रहेगी तो बहुत ख़राब बात होगी है ना। इसलिए आपको उस टाइम में बनाना पड़ेगा और पूरा का पूरा एक बार में उतारना पड़ेगा। तो आप उतार तो सकिएगा, बना तो लीजिएगा, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आ पाएगी, आप समझ नहीं पाइएगा। तो बेहतर है चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे चल रहा है उसी तरह से चलिए, बनाइए, याद कीजिए, लिखिए, पढ़िए, इस तरीके से ये ईजी पड़ेगा। बाद में जब स्कूल खुलेगा तो रिविज़न चलता रहेगा, आप रिविज़न करते रहिएगा है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है। सभी बच्चे बनाइए, जो भी काम मिलता होमवर्क में वो काम को किया कीजिए। चलिए मैं खाना शुरू करती हूँ, तो सभी बच्चे पहले तो रिमेंबर डाल देंगे, डेट डाल दीजिएगा, चैप्टर, नोटबुक वाले बच्चे। और हाँ, नोटबुक वाले बच्चे को क्या करना है, शॉर्ट आंसर आपने जिस पेज में लिखा है अगर उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो उस पेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 3 से ज़्यादा है उसका मतलब वो हाफ पेज है ना, तो आप उस पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करिए, क्लियर। बुक वाले बच्चे रिमेंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे, हालांकि वो पहले से लिखे हुए हैं लेकिन वो क्या करेंगे कि सिर्फ मैच करेंगे आंसर को, रिमेंबर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, वो क्या है, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन, घर कौन बनाता है। तो चार ऑप्शन है, फार्मर, मेसन, कारपेंटर या टेलर।
तो चारों में से कौन होगा? तो घर बनाने वाले को क्या बोलते हैं? तो पहले तो बॉक्स बना हुआ, मैंने बॉक्स बनाया, तो जो घर बनाता है उसे क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं? मेसन, MASON, मेसन मीन्स राजमिस्त्री। तो हम मेसन वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे। आप जानते हैं आपके बुक में ऑप्शन का नंबर नहीं रहता ABC, हर ऑप्शन से पहले बॉक्स रहता है, तो पहले बॉक्स उसके बाद वर्ड लिखा। अब सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बोला, इनमें से कौन हमारे बालों को काटता है? ओके, तो जो बाल काटता है उसे क्या बोलते हैं? तो चार ऑप्शन दिए मैंने, कौन कौन है? गार्डनर, कॉबलर, बार्बर, प्लम्बर, है ना, चार दिए हुआ। तो चारों में से बाल काटने वाले को क्या बोलते हैं? तो पहले तो बॉक्स बना लेंगे, क्या बोलते हैं? बार्बर, BARBER, बार्बर मीन्स नाई या हजाम, है ना, इसे बोलते हैं। तो ये बाल हमारा काटता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु बिल्ड्स अ हाउस फॉर अस, ना, दो ही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं अब इसको इरेज करूंगी, लेकिन इरेज करने से पहले मैं समझा दे रही हूँ, समझ लीजिए दोबारा से, फिर इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगी। क्या है? हु बिल्ड्स अ हाउस फॉर अस, हमारे लिए घर कौन बनाता है? तो ऑप्शन है मेसन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड है, हु अमंग द फॉलोइंग कट्स आवर हेयर, इनमें से कौन हमारे बालों को काटता है? तो ऑप्शन जो आंसर है हमारा बार्बर, वो बार्बर हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखाऊंगी। टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो किस दिन मनाते हैं? तो उसके लिए भी चार ऑप्शन है, कौन कौन? 1st सितंबर, 5th सितंबर, 5th अक्टूबर, 14th नवंबर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो पहले तो मैं बॉक्स बनाऊंगी, ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? सभी बच्चे ये बात जानते हैं, कितने को? 5th सितंबर को, SEPTEMBER, 5th सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। और हाँ, एक बात का ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा ना, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन, तो हम लोग ने सेलिब्रेट टीचर्स डे लिखा, तो ये क्वेश्चन मेरा एक लाइन में नहीं आता, ऑन लिखा, उसके लिए मैंने दूसरा लाइन का इस्तेमाल किया, और ऑन के बगल में बहुत सारा जगह है, लेकिन मैंने वहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन के लिए मैंने उसके नीचे लिखा, दैट मीन्स की नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल किया। तो आप बच्चे भी ये बात का ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जितना लाइन में आता है, एक या दो, उतना लाइन में क्वेश्चन लिखिए, अगर दूसरे लाइन में आपका जगह बच भी रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जगह है, तो उसी लाइन में आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, फिर ऑप्शन के लिए नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करना है, क्लियर? जैसे मैंने लिखा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखूंगी, वो क्या है? हु ट्रीट्स द सिक पीपल, बोला हु ट्रीट द सिक पीपल, सिक सिक मीन्स बीमार, बीमार लोगों का इलाज कौन करता है? ट्रीट मीन्स इलाज करना, कौन करता है? तो ऑप्शन है टीचर, पोस्टमैन, पुलिसमैन या डॉक्टर। तो जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज कौन करता है? तो ये बात सभी बच्चे जानते हैं, कौन करता है? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर का काम है लोगों का इलाज करना, जो लोग बीमार हैं उनका इलाज करना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर बचा है उसे लिखाऊंगी, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे वाइप करूंगी, तब वो क्वेश्चन लिखाऊंगी। तो इसे वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा दूं, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर, हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 4 है, हु ट्रीट्स द सिक पीपल, ना, बीमार लोगों का इलाज कौन करता है? तो डॉक्टर, ओके। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 का।
है क्वेश्चन नंबर 5। ए पुलिसमैन वर्क्स इन अ डैश। बोला ए पुलिसमैन वर्क्स इन अ डैश, पुलिसमैन कहाँ काम करते हैं, उस जगह का नाम लिखना है। तो ऑप्शन है फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन या पोस्ट ऑफिस। तो पुलिसमैन कहाँ काम करते हैं, यस सभी बच्चे जानते हैं। पहले हम बॉक्स बनाएंगे, क्या हो जाएगा, पुलिस स्टेशन, POLICE, पुलिस, STATION, पुलिस स्टेशन। इस बॉक्स में हम टिक लगा देंगे। और हाँ, जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन में जिस क्वेश्चन में ब्लैंक होता है, दैट मीन्स कि खाली जगह होता है, उस खाली जगह पे हमें उस ऑप्शन को लिखना होता है जिस ऑप्शन में हमने टिक लगाया। तो हमने पुलिस स्टेशन पे टिक लगाया, तो हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी लिख देंगे। ओके, इस तरीके से पुलिस स्टेशन लिखा गया कि ए पुलिस मैन वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन। एक पुलिस मैन कहाँ काम करता है, पुलिस स्टेशन में, यानी कि थाना में, चौकी में काम करता है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वो लिखाऊंगी। अब है क्वेश्चन नंबर बी, वो क्या है, सॉरी ट्रू फॉल्स है, राइट राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स, STATEMENTS स्टेटमेंट्स एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। बोल रहा है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो सही है उसके लिए ट्रू लिखना है और जो सेंटेंस गलत है उसके लिए फॉल्स लिखना है। लेकिन ट्रू की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखनी, फॉल्स की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखनी। ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। ओके, ट्रू में सही होता है, फॉल्स में गलत। तो इसके लिए मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगी, जितना यहाँ पे क्वेश्चन अटेगा उसके बाद मैं समझाऊंगी। तो फर्स्ट नंबर में है ए पुलिसमैन works in a police station, box bana hua hai। second hai a goldsmith डॉक्टर अरेस्ट द थीफ्स। ओके, मेरा तीन ही अटा है बोर्ड पे, इसलिए मैं लिखना बंद करके आपको समझा दे रही हूँ। फिर बाकी का वाइप करके मैं दो क्वेश्चन जो बचेगा वो लिखा दूंगी। ये का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए पुलिसमैन वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन। बोला ए पुलिसमैन पुलिस स्टेशन में काम करता है, तो यस ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू के लिए क्या लिखेंगे, टी। हमने अभी भी क्वेश्चन नंबर है ना टिक द करेक्ट ऑप्शन का लास्ट ऑप्शन में बनाया था, और हम ये बात जानते ही हैं कि पुलिसमैन कहाँ काम करते हैं, तो पुलिस स्टेशन में। ओके, पुलिस स्टेशन में काम करने वाले लोगों को पुलिसमैन ही बोलते हैं। ओके, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है ए गोल्ड स्मिथ ट्रीट्स सिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, तो सुनार इलाज करता है ना बीमार जानवरों और बीमार पक्षियों का, तो सुनार इलाज करता है। तो नहीं, सुनार का क्या काम होता है, सोने के आभूषण बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, सोने या चांदी के, सिल्वर है ना, गोल्ड या सिल्वर के।
और बीमार जानवर और बीमार जैसे पशु या पक्षी हो, एनिमल्स हो या बर्ड हो, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वो भी एक डॉक्टर होता है, लेकिन उसका क्या नाम होता है? वेट, शॉर्ट फॉर्म में वेट बोलो या वेटरिनेरियन ये बोला जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है, ए गोल्ड स्मिथ ट्रीट सिक एनिमल्स एंड बर्ड, गोल्ड स्मिथ एक सुनार जो है ना बीमार जानवरों और बीमार पक्षियों का इलाज करता, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फॉल्स के लिए क्या लिखेंगे? एफ। अब थर्ड नंबर है, ए डॉक्टर अरेस्ट द थीव्स, एक डॉक्टर अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है थीप्स को, चोरों को, तो डॉक्टर गिरफ्तार करता है नहीं, डॉक्टर इलाज करता है बीमार लोगों का, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फॉल्स के लिए क्या लिखेंगे? एफ। चोरों को अरेस्ट करने का काम, गिरफ्तार करने का काम किसका है? पुलिसमैन का, ओके। और डॉक्टर का क्या काम है? इलाज करने का। तो फिर से एक बार समझा दूँ, उसके बाद वाइप करके क्वेश्चन नंबर बी का दो क्वेश्चन लिख दूंगी। क्या है? वन नंबर, ए पुलिसमैन वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में काम करने वाले लोग है ना, पुलिसमैन पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, तो यस ट्रू, ट्रू के लिए टी। के बाद थर्ड सेकंड है, ए गोल्ड स्मिथ ट्रीट्स सिक एनिमल्स एंड बर्ड्स, ए गोल्ड स्मिथ एक सुनार है ना, क्या कहते हैं, बीमार जानवरों और पक्षियों का इलाज करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के लिए एफ। और थर्ड है, ए डॉक्टर अरेस्ट द थीव्स, डॉक्टर चोर को गिरफ्तार करता है, तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स के लिए एफ। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर बी का दो क्वेश्चन जो बचा उसे लिखाऊंगी। लास्ट है क्वेश्चन नंबर बी का, टीचर्स टीच अस टू बी पंक्चुअल, टू बी है ना, ये दो क्वेश्चन था जो कि बच गया था, तो अब मैं वाइप करके से लिखाई हूं। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, द पोस्टमैन हेल्प्स अस टू स्टे इन गुड हेल्थ, पोस्टमैन हमें हमारी अच्छी स्वास्थ्य के लिए हमारी मदद करता है, तो पोस्टमैन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करता है नहीं, पोस्टमैन का क्या काम है? लेटर्स को डिलीवर करना, ब्रिंग्स करना, ओके, मतलब पत्र को, चिट्ठी को उसके पते पे पहुंचाना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फॉल्स क्या लिखेंगे? एफ। हमारे गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी मदद कौन करता है? तो डॉक्टर करता है, वो हमें प्रिस्क्राइब करता है ना दवाइयों को या खाने को, कि हम किस तरीके से खाएं, किस तरीके से दवाई लें। अब है फाइव नंबर क्वेश्चन, टीचर्स टीच अस टू बी पंक्चुअल, टीचर्स शिक्षकों हमें ये सिखाते हैं कि हम पंक्चुअल रहें, पाबंद रहें, समय अनुसार रहें, तो ये सही है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू के लिए टी। टीचर्स हमें रीड एंड राइट पढ़ने लिखने के साथ साथ हमें मोरल्स वैल्यूज़ भी बताते हैं और हमें पंक्चुअल और रेगुलर रहने के लिए भी सिखाते हैं, है ना, तो टीचर्स हमें बताते हैं समय का महत्व करो और हर काम समय पे करो, पाबंद रहो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। बुक वाले बच्चे मैच कर लेंगे क्योंकि आपने पहले बना ही लिया था, नोटबुक वाले बच्चे सेम इसी तरीके से नोट करेंगे और आपका होमवर्क ही हो जाएगा रिमेंबर करने का, तो इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को शॉर्ट आंसर नहीं याद है चैप्टर 13 का, वो बच्चे शॉर्ट आंसर भी याद कर लेंगे, उनके लिए अगेन रिमेंबर है। और हाँ, बुक वाले बच्चे पेज में 104 है ना, 4 में या ध्यान देंगे पेज में क्वेश्चन नंबर 6 ये आप बनाइएगा, फिर नेक्स्ट डे मैं जैसे मैच करती हूँ बोर्ड पे लिखती हूँ उस तरीके से आप मैच कर लीजिएगा, तो आपका चेक हो जाएगा। लेकिन आपके पास बुक है तो इसलिए आप बनाइएगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपको मतलब याद करने के बाद तो समय बचेगी ही आपके पास, तो आप इसे बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी है, वो क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक या दो शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु स्टिचेस आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन सिलता है? तो कपड़े सिलने वाले को क्या बोलते हैं, बोल दीजिएगा। सेकंड है, हु वॉशेस एंड आयरन्स आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े को धुलता मतलब कौन धुलता है और कौन आयरन करता है? तो कपड़े को धुलने वाले को और आयरन करने वाले को क्या बोलते हैं, बोल दीजिएगा। थर्ड है, नेम टू हेल्पर्स हु मेक आवर वर्क easier at home, मतलब दो ऐसे इंसान का नाम बताना है
जो हमारे घर में हमारे काम को आसान बनाता है, तो ऐसे हेल्पर का नाम लिख देना है। उसके बाद 4 है, हु वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कौन काम करता है, तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर सी का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, हु इज़ अ सिंबल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था का कौन है प्रतीक, कौन सिंबल है, उसका नाम लिख दीजिएगा। तो बुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर सी बनाइएगा और सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर ए और बी को याद कर लेंगे, और जिनको शॉर्ट आंसर नहीं याद है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 13 का, वो बच्चे शॉर्ट आंसर भी याद कर लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब क्लास हमारा स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आप सभी बच्चे जानते हैं आपका गुड हैबिट टिप क्या है, तो आजकल हम देते हैं एट टेबल, मतलब खाने के दौरान हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, हम कैसे क्या करें वो है। तो आज है डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ, बोला डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ, अगर आपके मुंह में भोजन है यानी कि भोजन का निवाला है, आप कुछ भी खा रहे हैं अगर आपके मुंह में है, तो उस समय आपको बोलना नहीं है, है ना। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, खाना रखते हैं, खाते रहते हैं, मुंह में तो भर लेते हैं, उसके बाद बोलते रहते हैं, तो ना आप सही से खा पाते हो, ना ही सही से बोल पाते हो। और उस कंडीशन में क्या होगा, आप बोलोगे एक तो सही से चबा भी नहीं पाओगे, दूसरा आपको बोलने में बनेगा नहीं, तीसरा खाना गिर सकता है बाहर, और चौथा आप सरक सकते हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें तरीका क्या है, जब हमारे मुँह में निवाला रहे तो हमें चुप रहना चाहिए, मुँह बंद करके खाना चाहिए। ओके, सभी बच्चे क्या गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ, आपके मुंह में अगर भोजन है, भोजन का निवाला है, कुछ भी खा रहे हैं, उस समय भोजन रख के आपको नहीं बोलना है। ओके, तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, और हर गुड हैबिट टिप को आप खुद भी फॉलो कीजिए और लोगों को भी बताइए। तो ये नहीं, आप ये मत समझिए कि हम छोटे हैं और बड़े हरकत ऐसा कर रहे हैं तो बड़ों को नहीं बता सकते, आप बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन आपका बोली नर्म होना चाहिए, पोलाइटली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बातों को समझे और उसे अपनाए। ओके, और जो बच्चे मैंने जो जो बात बोलती है वो बात पे आप ध्यान दीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा, होमवर्क तो आपका यही है, जिन है ना, जिन बच्चों को शॉर्ट आंसर नहीं याद है वो बच्चे शॉर्ट आंसर याद करेंगे, बाकी बच्चे ए बी याद कर लेंगे, और बुक वाले बच्चे ए बी याद करने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर सी भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।